जय हिंद, फ्यूचर ऑफ इंडिया आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अराना फैशन रिलेटेड कंपनी के बारे में। गाइस, ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसमें इन्वेस्टर्स अच्छे खास मात्रा में कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल में दिक्कत नजर आ रहा है जिसको हम लोग समझेंगे और उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाएंगे। और साथ में यदि इस कंपनी में किसी का पहले से इन्वेस्टमेंट है तो उसको क्या करने की जरूरत है उस पर भी बात होगी। चलिए शुरुआत हमेशा की तरह शुरू करते हैं, अराना फैशन लिमिटेड को समझते हैं। अराना फैशन लिमिटेड की यदि हम लोग काम की बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले यह कंपनी टेक्सटाइल के सेक्टर में आपको कामकाज करते हुए नजर आएगी। एक ही बिजनेस में काम करती है जो टेक्सटाइल का बिजनेस है, और हम सभी जानते हैं कि भारत में टेक्सटाइल का बिजनेस काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। और जो हमारे देश की सरकार है उसकी भी मंशा है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में उसको दुनिया में नंबर 1 बनाया जाए। तो इसलिए जो टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियाँ होती हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ओवरऑल जब किसी इंडस्ट्री का ग्रो होगा तो उसमें जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनके भी वो भी ग्रो करेंगी और उनके शेयर प्राइस में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए यदि इस तरह की कंपनी में सही समय पर हम इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आने वाले समय में जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो हमें अच्छी खासी मुनाफा होगी। तो चलिए काम तो हम समझिए, काम काफ़ी बढ़िया है। अब फंडामेंटल को समझते हैं तो मार्केट कैप देखेंगे तकरीबन 130 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। और इसका जो पी है, सामान्यतः पेनी स्टॉक में पी नदारद होता है, दिखता नहीं है, तो पी हमें कुछ खास मायने नहीं रखता। हम लोग जब कंपनी का चार्ट देखते हैं, जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर मैं बताता हूँ कि कहाँ पे यदि आपको एंट्री लेना है, एग्जिट करना है, तो ये सब सारी चीज़ें हम चार्ट पर समझते हैं। तो इसलिए पी कुछ खास मायने हमारे लिए नहीं रहता। अब देखिए स्टॉक का प्राइस देखेंगे ना 30 रुपये के आसपास चल रहा है, और स्टॉक का जो बुक वैल्यू है 41 रुपये के आसपास, यानी कि बुक वैल्यू से कम है कंपनी का शेयर प्राइस। ये निगेटिव बात है, बुक वैल्यू से हमेशा जो कंपनी का करेंट प्राइस होता है, जो शेयर प्राइस होता है, वो ज़्यादा होना चाहिए। और जब आप कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखेंगे तो यह भी आपको प्लस में नजर आएगा, माइनस में नहीं। हालांकि आरओई थोड़ा कम है, ये जब शेयर के प्राइस बढ़ेगा और फंडामेंटल थोड़ा बेहतर होगा तो आरओई और मजबूत हो जाएगा, और आरओई जितना मजबूत रहे उतना अच्छा होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न निकाल कर देगा वो ये डिसाइड करता है। तो तकरीबन 0.25% है, इतना परसेंट रिटर्न तो आपको एक साल में मिल ही जाएगा, ये तो फिक्स है। लेकिन यही यदि 0.25% से मान लीजिए 2% होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट को साल भर में 2% रिटर्न मिलता, इसलिए ये ज़्यादा होना जरूरी है। और जिसमें बताया समय के साथ ये ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग बाकी फंडामेंटल को बाद में समझेंगे, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से सबसे पहले कंपनी के चार्ट को समझते हैं। एक साल के चार्ट को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ और ध्यान से समझिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं कंपनी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 30 रुपये का जो लेवल है। यहाँ पर मल्टीपल बार इसने आकर सपोर्ट लिया है, देख सकते हैं, और इसी प्राइस पे बार बार कंपनी का शेयर प्राइस आकर सपोर्ट लेता है और फिर प्राइस यहीं से ऊपर जाता है। तो अभी देखिए प्राइस यहाँ से गिर के नीचे आया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे आया, फिर यहीं पर आकर टच कर रहा, और फिर अब यहाँ से प्राइस ऊपर उठने की तैयारी में। और यहाँ से एक बार जब प्राइस ऊपर उठेगा तो इजिली कम से कम आपको 38 से 40 रुपये तक जाते हुए प्राइस इसका दिखेगा, क्योंकि ये एकदम इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और इसके नीचे प्राइस के आने की संभावना थोड़ी कम है, इसके नीचे हल्का नीचे आ सकता है, हल्का ऊपर नीचे होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे आने की संभावना नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है, एक्सपीरियंस भी कुछ मायने रखता है, कि ये चीज़ अब यहाँ से नीचे नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ गया और यहाँ से प्राइस इस पर थोड़ा सा समय बिताएगा, इसी सपोर्ट पर समय बिता के फिर प्राइस ऊपर निकलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपको इजिली 38 से 40 रुपये तक आपको प्राइस जाते हुए दिखेगा, शॉर्ट टर्म में आपको 38 से 40 रुपये तक जाने के लिए इसमें तैयार रहना है। लेकिन अभी न्यू एंट्री इसमें नहीं लेना है, न्यू एंट्री कब लेना है, जब प्राइस यहाँ से ऊपर उठने लगे और कम से कम इस 32 रुपये के लेवल को ऊपर निकाले, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 32 रुपये के लेवल के लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसलिए जब 32 रुपये के लेवल के ऊपर प्राइस निकले तो आप यहाँ पे बेसिक एंट्री ले सकते हैं। और शेयर मार्केट में हमेशा वही पैसा लगाना चाहिए, चाहे आपको कितना भी कॉन्फिडेंट हो, जो डूब जाए तो आपको तनाव नहीं हो, तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं 32 रुपये के आसपास। जब आप कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कंपनी का जो डेट है वो आपको कम होते हुए दिखा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के डेट कम हो रहा है, और जो कंपनी का जो रिजर्व होता है, यानी कि जो कैश पैसा होता है कंपनी के पास, वो आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है, ये मतलब माना जाएगा, इससे ये प्रतीत होता है कंपनी का जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल कंपनी का मजबूत हो रहा है। और कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होगा तो जैसे मैंने बताया कि शेयर प्राइस बढ़ेगा और साथ में जो कंपनी का आरओई है वह भी आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, और जो लेवल मैंने बताया उस लेवल पर आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें देखेंगे तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी तकरीबन 72% से ज़्यादा है, ये भी काफ़ी कमाल की बात है। यानी कि ओवरऑल जो चीज़ें इसमें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें है। इसमें आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी पर नज़र बना के रखेंगे, कोई ना कोई स्टॉक जरूर चलेगा। अराना फैशन लिमिटेड के बारे में जितनी भी जरूरी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कोई पॉइंट मिस हो गया, छूट गया, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इसके बारे में कमेंट में या इंस्टाग्राम पर जुड़ के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।